किलकारिया गूंजे हैं सारा दिन कहानियां नन्ना नन्ना क्या बात है टेनी सिंह, आज तीन तीन ग्लास दूध, चौथा खत्म। कहीं कुश्ती उश्ती में जा रहे हो क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो चाचू। मतलब ये कि मैंने किताब में पढ़ा था कि दूध पीने से बच्चों को शक्ति मिलती है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। इसलिए मैंने ठान लिया मैं ये सारा दूध पी के शक्तिशाली बन जाऊंगा, सबसे ज्यादा स्ट्रांग। बात तो तुम्हारी सही है, मगर इतनी ताकत का तुम करोगे क्या? सबसे पहले ना मैं टीमा मीमा और बीना की पिटाई करूंगा। ये तड़क पड़क, यानी तुमको शक्ति इसलिए चाहिए ताकि तुम अपने दोस्तों की पिटाई कर सको? ये तो गलत बात है। और अगर तुम्हारे दोस्तों को चोट लग गई तो? ये सोचना उनका काम है, कमजोर कहीं के। तो चलो आज मैं तुमको एक कमजोर चिड़िया की ही कहानी सुनाता हूँ। चंदन वन के जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। इसी बरगद के पेड़ पर रहती थी दो चिड़िया, चिड़ा और उसकी पत्नी चिड़ी। चिड़ा और चिड़ी ने अपनी दिन रात की मेहनत से तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना एक सुंदर सा घोंसला बनाया था। इसी घोंसले में चिड़ी ने चार नन्हे सफेद अंडे दिए। चिड़ी और चिड़ा अपने आने वाले प्यारे मेहमानों के इंतजार में दिन गुजारने लगे। इसी जंगल में मोंटू नाम का एक गुस्सैल हाथी भी रहता था। मोंटू की नाक पर हमेशा गुस्सा रहता था, ऊपर से उसको इतना बड़ा होने का घमंड भी था, और उसके घमंड ने उसको अंधा कर दिया था। अगर कोई टहनी रास्ते में आए तो तोड़ देता, खरगोश दिखे तो मरोड़ देता। एक दिन इसी मोंटू का मन किया पहाड़ के ऊपर बने तालाब में नहाने का, और मोंटू चल पड़ा। धम धम धम, पूरे जंगल में उसके चलने की आवाज गूंजने लगी। चारों ओर खलबली मच गई। सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की तरफ भागने लगे। इस बात से अनजान चिड़ा चिड़ी को टाटा कहकर खाना लाने घोंसले से बाहर उड़ गया। चिड़ी लोरी गाते हुए अपने अंडों को गर्मी दे रही थी कि तभी उसके कानों में धम 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 की आवाज आई। चिड़ी ने घबराते हुए अपने अंडों को सीने से लगा लिया। जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि मोंटू सीधा बरगद के पेड़ की तरफ दौड़ता आ रहा था। ओ, हेलो हाथी भैया। चिड़ी के मुंह से हाथी शब्द सुनकर मोंटू गुस्से में बोला, मुझे हाथी मत बुलाओ, मैं मोंटू हूँ, मोंटू मोंटू महान। ये सुनकर चिड़ी डर से कांपने लगी, मगर उसने फिर भी हिम्मत करके एक लंबी सांस ली और प्यार से बोली, मोंटू महान, क्या आप प्लीज दूसरे रास्ते से जा सकते हैं ताकि मेरा घोंसला बच जाए? उसकी बात सुनकर मोंटू का माथा और ठनक गया। वो उस पर चिल्लाते हुए बोला, मैं हूँ मोंटू महान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अगर तुम आलसी हो तो मैं अपना रास्ता क्यों बदलूं? चिड़ी ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की। मोंटू महान जी, बात मेरी नहीं, मेरे नन्हे अंडों की है। अब इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मोंटू ने गुस्से में आकर टहनी को खींचा और उसे तोड़ दिया। चिड़ी का घोंसला और उसके अंडे नीचे गिर कर फूट गए। ये देखकर चिड़ी चीख पड़ी। कुछ देर बाद जब चिड़ा लौट कर आया तो उसने चिड़ी को रोता हुआ पाया। उसने देखा कि उसका घोंसला टूटा हुआ पड़ा है। चिड़ी ने चिड़े को पूरी बात बताई और जोर जोर से रोने लगी। चिड़े ने चिड़ी को समझाने की कोशिश की। रो मत प्यारी चिड़ी, हम इस जंगल से कहीं दूर उड़ जाएंगे और एक नया घोंसला बनाएंगे। क्या? पहले हमारा घोंसला टूट गया, अब हम अपने घर इस जंगल को भी छोड़ दें? क्यों भला? क्या मोंटू को उसके किए की सजा नहीं मिलनी चाहिए? और वो ये कहते कहते और रोने लगी। तभी वहाँ से गुजरते हुए वुडी नाम के वुड पैकर यानी कट फोड़वा ने उसका रोना सुना। क्या हुआ मेरे दोस्तों, तुम रो क्यों रहे हो? चिड़े ने उसको शैतान मोंटू के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे उसने उनका घोंसला तोड़ दिया। हमें उसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए,
उसको सबक सिखाना होगा। पर ये हम कैसे करेंगे? उड़ी ने कुछ देर सोचा और कहा, मेरे पास एक आइडिया है, चलो मेरे साथ। वो तीनों जंगल में उड़े और उन्होंने अपने दोस्तों कीकी मक्खी और प्लूटो मेंढक को इकट्ठा कर लिया। कीकी मक्खी और प्लूटो मेंढक ने जब पूरी बात सुनी तब सबने साथ मिलकर मोंटू को सबक सिखाने के लिए एक तरकीब बनाई ताकि आगे से वो किसी जानवर को परेशान न कर सके। अगली दोपहर जब मोंटू तालाब पर नहाने जा रहा था तभी कीकी उसके कान के पास आकर भिन भिनाने लगी। बेवकूफ मक्खी, ये क्या कर रही है, हट इधर से। मोंटू कीकी मक्खी को भगाने के लिए झनझनाहट में अपनी सूंड घुमाने लगा और जैसे ही मोंटू का ध्यान भटका वुडी कट फोड़वा उसके पास आकर उसे चोंच मारने लगा। इतने में चिड़ा और चिड़ी भी आए और उन्होंने मोंटू की आंख में मिर्ची डाल दी। मोंटू दर्द से चिल्लाया और अपनी सूंड एक बार फिर यहाँ वहाँ घुमाने लगा। पानी, 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 मुझे पानी चाहिए। बस तभी प्लूटो मेंढक जोर जोर से टर्राने लगा। उसकी आवाज सुनकर मोंटू ने सोचा कि तालाब पास में ही है और उसने उस आवाज की तरफ बढ़ते हुए जोर से वहां पर छलांग लगा दी। धड़ाम! और मोंटू एक गड्ढे में मुंह के बल जा गिरा जिससे उसकी सूंड पर चोट लग गई। वो दर्द से और रोने लगा और तब चिड़ा और चिड़ी उसके पास गए। उन दोनों को देख कर मोंटू को अपनी गलती पे पछतावा हुआ और वो जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मेरे गुस्से और घमंड ने मुझे पागल कर दिया था। मैं विशाल हूँ, बड़ा हूँ, इसीलिए शायद भूल गया था कि एक छोटी सी चीज भी बड़े से बड़े को सबक सिखा सकती है। मुझे माफ कर दो प्लीज। और ये कहकर मोंटू और जोर जोर से रोने लगा। अरे चाचू, हाथी तो कितना शक्तिशाली होता है, एक छोटे से चिड़िया ने उसे कैसे हरा दिया? यही तो बात है। आज की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने शक्तिशाली होने का घमंड नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा प्राणी भी हमारे लिए मुसीबत बन सकता है क्योंकि असली ताकत यहाँ नहीं, यहाँ होती है। हाँ करण चाचू, पर मैं अब इस दूध का क्या करूँ? अरे हम दोनों मिलकर फिनिश करेंगे ना, शक्तिशाली बनना कोई गलत बात थोड़ी है। ओके। तो बच्चों, मैं और टेनी करेंगे इस दूध को फिनिश और बनेंगे शक्तिशाली। आप भी जाइए, दूध पीजिए और ताकतवर बनिए, मगर आपकी ताकत लोगों के काम आनी चाहिए, उनके लिए मुसीबत नहीं बनना चाहिए। तो वापस यही मिलेंगे आपके फेवरेट शो किलकारियां में, जहाँ कहानी हमारी, दुनिया आपकी। और बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये तुम पियो, ये मैं पियूं।